स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राशिद सर्विस सेंटर में। और आज जो वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो किसी टॉपिक पर नहीं है, वो जो वीडियो जो मांगी है वो है हमारे असलम हैं, असलम भाई गोंडा बहराइच से हैं, मोहम्मद असलम अंसारी साहब हैं, उन्होंने वीडियो मांगी थी। वो वीडियो जो है कि छोटी मशीन में कितने पुर्जे, कौन कौन से पुर्जे और क्या नाम होते हैं, सारे पुर्जों के नाम बताएं बोला था। तो मैंने एक मशीन छोटी खोली तो खोल रखी है और उसमें सारे पुर्जे जो हैं मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या पुर्जे हैं और किस पुर्जे का क्या क्या नाम है और किस पुर्जे का क्या काम है, ये सारी जानकारी आज दूंगा। तो और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल राशिद सर्विस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपको जानकारी पूरी समझ में नहीं आएगी। दिखाते हैं आपको कि छोटी मशीन में कौन सा पुर्जा क्या काम करता है और कितने पुर्जे होते हैं और पुर्जों का क्या नाम होता है, वो सारी जानकारी आज आपको वीडियो में देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारा सामान मैंने इस पर आत्मा रख रखा खोल करके, और ये मशीन है देख सकते हो आप, ये सारी मशीन खोल रखी है मैंने, देख सकते हो आप पूरी मशीन खोलो भी है सारी, बिल्कुल ए टू जेड सारे पुर्जे इसके निकाल रखे हैं बिल्कुल कंप्लीट ही। और देखिए फ्रेंड्स, सारे पुर्जे हर कुछ सब कुछ निकाल रखा है पूरा, और सब बाकी सब पुर्जे निकाल करके यहाँ रख रखे हैं। बस इसमें से क्या नहीं निकाला है, एक इसका ये लिफ्टर नहीं निकाला है, ये देख सकते हो आप ये लिफ्टर। एक भाई ने हमारे कमेंट में वीडियो मांगी है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये वीडियो भी आएगी कि ये लिफ्टर बहुत ज़्यादा ठोकने पर निकलता नहीं है, तो इसको कैसे निकालें ये भी आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। और एक इसकी हमने ये चाल नहीं खोली है, देख सकते हो आप ये चाल इसकी, ये चाल हमने नहीं खोली है क्योंकि ये देख सकते हो ये चाल है। और बाकी आपको दिखाते हैं हम, ये सिर्फ दो ही आइटम इसमें फिट हैं और एक ये बस। और बाकी चलिए फ्रेंड दिखाता हूँ आपको पुर्जे इसके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले हमारा मैनलेट यानी धुरा, मैनलेट भी बोलते हैं इसको और ज़्यादातर हम धुरा कहते हैं, बड़ा धुरा इसका, छोटी मशीन का धुरा है। और इसके साथ ही क्या क्या होता है ये दिखाता हूँ आपको। देखिए ये लट्टू हो गया और ये लट्टू का पेच हो गया और ये केम चुमटे का, जो चुमटे का जो कपड़े जो फेंकता है, और ये डार्ट हो गई बुश अंदर वाला, और ये बिल बुश पुली जो पहिए पर लग कच होती है, पहिए पर रोकती है। तो फ्रेंड देखिए, ये तो आपने देख लिए हैं, ये धुरा, लट्टू, लट्टू का पेंच, केम, डाट और ये बिल बुश। और अब देखिए, अब ये है हमारा बिल यानी पहिया। फिर इसके बाद जब हम इतना सामान फिट करने के बाद जब चलेंगे इसमें, तो फिर अब हमारा काम रहता है, हमारा लगाएंगे इसमें ये कुंडी, ये लबलबी भी बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं इसको। और फिर इसके बाद हमें इसमें फिट करने होते हैं गज। तो सबसे पहले गज के लिए हमें देखिए, ये लिंक स्टट, ये इसका स्टट हो गया, ये लिंक हो गया, ये स्टट हो गया, ये स्टट, फिर ये सुई गज, देख सकते हो आप ये सुई गज जो इसमें हमें फिट करना होता है, ये सुई गज हो गया। फिर हम जो फिट करेंगे इसके बाद फिट करेंगे, ये देखिए ये ब्रैकेट हो गया पैर गज का, ये पैर गज वाला स्प्रिंग हो गया, ये पैर गज हो गया यानी बूट गज, और ये इसकी कोली यानी बुश हो गया जो इसको स्प्रिंग की तड़ बनाता है टाइट करने के लिए, स्प्रिंग को रोकने के लिए, ये हो गया सामान। अब इतना सामान मशीन में पूरी खोल के फिट करने के बाद, फिर हमें ये सारा सामान गज धुरा और गज फिट करने के बाद, फिर हम सबसे पहले, फिर उसके बाद में ये डंडा, छोटा वाला डंडा, ये दांते को ऊपर नीचे उठाने का काम करता है, और ये लीवर हो गया, ये गोली हो गई लीवर की, ये डंडा यहाँ नमदा चलेगा तो नमदे से ये दांते ऊपर नीचे इस तरीके से ये चलता है, दांते ऊपर नीचे का उठाने का काम है इसका, और ये लीवर हो गया, ये गोली हो गई है ठीक। अब इसके बाद हमें फिट करना है ये नमदा,
ये नमदा हो गया जहाँ इसमें गोली चलती है ये धुरे। और इसको ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, झूला। कई लोगों ने बताया मुझे कि इसको झूला बोलते हैं, कमेंट किया है, मैंने पूछा था एक बार तो बताया था इसको झूला बोलते हैं। अब मैं इसको नमदा, हमारे यहाँ नमदा बोलते हैं ज़्यादातर। आप किसी हमारे यहाँ आके किसी से भी ये पुर्जा मांगेंगे दुकान पे तो उसे नमदा बोलेंगे, तब आपको ये मिल जाएगा। अब इसके बाद हमें फिट क्या करना है, अब ये हमारी ये मशीन की ये दांते वाली रॉड, ये देखिए ये दांते की ये रॉड हो गई, ये लीवर हो गया ये देखिए, और ये जो है हमारा ये चिमटी हो गई, दांते वाली चिमटी देख सकते हो आप। ये चिमटी दो सेंटर होते हैं इसको लगे हुए, दो सेंटर रुके होते हैं, एक ये है और एक ये है, ये दो सेंटर से रोके हुए होते हैं। फिर इसके बाद हमें फिट करना होता है मशीन में ये चिमटा, जिससे कि इसका काम है, इस चिमटे का काम है इसको दांते को आगे पीछे चलाना, इस तरीके से आगे पीछे चलाना। और अब ये हम लगाएंगे, चिमटा हो गया देख सकते हो आप, ये चिमटा और ये गोली हो गई इसकी चिमटे की, ये चाल में जिससे हम चाल छोटी बड़ी करते हैं, सिलाई आगे पीछे करते हैं, ये गोली जो चाल पर टच होती है, और ये इसका नट हो गया। अब इसके बाद जो हम फिट, अब फ्रेंड इस चिमटे के बाद जो हम फिट करेंगे इसमें, वो आ जाती है हमारी ये संतरी, देख सकते हो ये संतरी हो गई। इसमें दो पेच होते हैं, ये ऊपर धुरे पर लगाते हैं हम, ये दो पेच, ये संतरी हो गई। और संतरी के बाद अब इसमें जो इसके पेच जो होते हैं नीचे हमारे, तो देखिए ये पेच जो है, जो एक सार जो पेच जो है ये चिमटे का है, जिसमें हम चिमटा है ये चिमटे का पेच है। और फिर प्लस ये सलामी, इसको हम सलामी पेच बोलते हैं दोनों को, ये सलामी पेच बोलते हैं आप। ये चिमटे वाला देखिए, ये बिल्कुल स्टट सीधा होता है, और ये स्टट इसका जो है थोड़ा आड़ा होता है, तिरछा होता है। सलामी पेच ये जो है हमारा, ये वाला पेच चिमटे का है, सलामी पेच चिमटे का है, और ये सलामी पेच जो है हमारा ये है संतरी का। तो ये संतरी में जब हम ये कस लेंगे, फिर जो हमारा इतना सामान जब मशीन में ये सारा सामान जब फिट हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारे नंबर आता है नमदा गोली का, और ये छींके का, कैरियल का, इसको छींका भी बोलते हैं, छींका रॉड बोलते हैं, धुरा बोलते हैं, कैरियल रॉड, कैरियल, और ये नमदा गोली, ये जिसको आप बोलते हैं झूला गोल, झूला और झूला गोली, ये देख सकते हो। इसको फिट करना होता है हमें, इसको फिट करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद अब हमारा नंबर आता है नाल पर। ये हमारा नाल है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसके इतना सामान फिट करने के बाद ये हमारा ये नाल और ये सटल हमारा ये लगाने का आ जाता है। ये फिर हम इसको कैरियल पर पहले सेट कर लेते हैं इस तरीके से, इस पर पहले देख लेते हैं कैरियल पर सेट करके, फिर इसकी अपने हमें सारे पुर्जों की चीक निकालने के बाद इसको हमें फिट करना होता है, जो सामान नया पड़ने का नया डालना होता है। और फिर इसको डाल, इसका इसको कसने के बाद ये दो पेंच होते हैं इसके, देखिए ये पेंच होते हैं इसके दो नाल के, ये दो पेच होते हैं देख सकते हो आप, ये पेच हैं दो नाल के। इसको कसने के बाद हमारा नंबर आएगा चुटकी पर और सुई पर, चुटकी और सुई जब हम गज में कसेंगे तब इसकी नाल की हम सेटिंग करेंगे। फिर इसकी सेटिंग करने के बाद फिर हम कसेंगे इसमें ये अपनी पटली, निडिल प्लेट कसने से पहले हमें कसने होते हैं हमें दांते, निडिल प्लेट कसने से पहले हमें ये दांते कसने हैं, जिसके ये दो पेंच, ये छोटे छोटे ये पेंच होते हैं देख सकते हो आप, ये दो पेंच होते हैं और ये दांते। फिर हमें ये निडिल प्लेट लगानी होती है, निडिल प्लेट लगाने के बाद इसके जो है दो पेंच होते हैं इस तरीके से, देखिए ये इस साइज के दो पेंच होते हैं निडिल प्लेट पर, देखिए ये इस साइज के दो निडिल पेंच। अब निडिल पेच लगाने के बाद हमारा नंबर आ जाता है बूट पर, ये पैर यानी बूट, और ये पेच होता है बूट का, ये पैर का देख सकते हो आप। फिर इसको कसने के बाद हमें सारी मशीन की क्लियरिटी करने के बाद सेटिंग देखना होती है, फिर ये हमें बाल बेंडर, बॉबिन बेंडर इसको कसना होता है, इसके ये इस साइज के पेच होते हैं। तो देखिए ये जैसे कि हम बड़ी मशीन में स्टापर के पेच होते हैं, और इसमें ये बॉबिन बेंडर सेम पेच होते हैं, ये बॉबिन बेंडर जिससे हम बॉबिन भरते हैं। फिर इसके बाद और बाकी इसको तो आप जानते ही होंगे, बीलबुस के साथ ये स्टाम्प मशीन और स्टाम्प मशीन बार्सल जो हमारे पहिए पर रहता है। फिर इसके बाद ये सारा सामान कसने के बाद हमारा माथा, ये माथा है, ये नट हो गया, ये स्प्रिंग हो गया, ये प्लेट हो गई, दो प्लेट होती हैं ये देख सकते हो आप। फिर ये हम लास्ट में ये माथा ये कस लेंगे, ये वो चांद, चांद बोलते हैं हम इसको, चांद कस लेंगे। फिर ये हमारा
सलेट, ये सलेट है, ये सलेट, और फिर ये हत्ता, हत्ता लगा के कंप्लीट करके हत्ते में भी देखिए ये बड़ी गरारी, इधर छोटी गरारी, और ये इसका साइज होता पूरा सेट होता है। देखिए ये हत्ते का मुंह है, ये हत्ते का फोल्डर है, ये हत्ते का हैंडल है, ये लकड़ी पेंच। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद मशीन हमारी सारी सेटिंग देखने के बाद, इतना सामान कसने के बाद, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इसी तरीके से हम अपनी मशीन को फिट करते हैं और इसी तरीके से सारा सामान हम फिट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सामान है इसमें, कितना है, और वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मेरी जो ही जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, और कमेंट करें इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो बना के उस कमेंट पर भी वीडियो बनाई जाएगी। और बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो, और मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।